जाबिर है। हम आपके सामने एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस ड्रामे की खामोशी से इंतजार करें और हमारे साथ कॉपरेट करें। छोटी बुआ अपनी लड़ाई की तैयारी करते हुए और दादी कुर्सी पर बैठे हुए। दादी दादी आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ मेरे बच्चे मेरे लाल, जा, अल्लाह तुझे कामयाब करे। फरहान स्कूल चले जाता है। रायता दरवाजे से दाखिल होती है। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। दादी मैं 12वीं में एक नंबर से पास हो चुकी हूँ। बताओ जरा तुम्हारा रिजल्ट, हम भी तो देखे कितने नंबर आए हैं। हाँ हाँ बड़े अच्छे नंबर है तुम्हारे तो। ये लो जाओ। हम आयदा वहां से चली जाती है और दादी कुछ बड़बड़ाती है। आई बड़ी रिजल्ट दिखलाने वाली, 12वीं में पास हो गई। चलो चलो इज्तिमा के लिए देर हो रही है अम्मा, हम लोग इज्तिमा में जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ इज्तिमा। सब इज्तिमा में चल जाते हैं। दादी कुछ बड़बड़ाती है। हाँ हाँ हर दम इज्तिमा इज्तिमा लगाए रहती है। जाओ इज्तिमा। अस्सलामु अलैकुम। हम बेटी के अनुमान पर कुछ सीखना चाहेंगे। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ए मेरे परवरदिगार, जब तू अपने बंदे से खुश होता है तो उसे क्या अता करता है? फिर रब ने जवाब दिया कि मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तू और ज्यादा खुश हो तो उसे क्या अता करता है? फिर रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक और बेटी अता करता हूँ और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दिया। सुभान अल्लाह। इसे मत अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? हमें क्या होगा भला? इतने में छोटी बहू पानी लेकर आती है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वैसे फरहान कहाँ है भाभी? अरे वो फरहान के स्कूल में प्रोग्राम है, वो वहाँ गया है। बड़ी बहू कुछ कहते हुए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वो हमारी आयजा 12वीं में पास हो गई और क्लास में एक नंबर आई है। हमारी आयजा 12वीं में एक नंबर आई है, माशाल्लाह उसे जरूर कुछ ना कुछ बनाना। हमारी आयजा बहुत होशियार भी तो है ना, और देखो ना समाज कितनी तरक्की कर रहा है। हाँ हाँ समाज तरक्की कर रहा है तो करने दो, हमें क्या। अरे अरे अम्मा। अरे तुम हमें मत समझाओ, हमें सब पता है क्या करना है और क्या नहीं। अरे अरे अम्मा ऐसा मत कहो, क्या पहले जमाने में लड़कियां नहीं हुआ करती थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो लड़कियां थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और अम्मा हदीस में बताया गया है कि बेटी अल्लाह की रहमत है और हमारे घर तो तीन तीन रहमतें हैं। हाँ हाँ तुम पहले जमाने की बात करती हो तो पहला जमाना कुछ और था और अभी देखो कितनी महंगाई हो गई है और इन लड़कियों के लिए दहेज भी तो जमा करना है ना। फूफू जाते हुए कहती है, अरे अम्मा और भाभी आप शांत हो जाइए, अब मैं चलती हूँ। अरे भाभी आप अभी तो आइए, थोड़ा रुक जाए। नहीं ऐसे ही बस मिलने आई थी, अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। फूफू बाहर चली जाती है और थोड़ी देर बाद फरहान दरवाजे से दाखिल होता है। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज तो तुम्हारे स्कूल में प्रोग्राम था, तुम्हें कुछ नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला। नहीं दादी कुछ नहीं मिला। हाँ जाने दो बेटा, आज नहीं तो फिर कभी तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चलो अब खाना खा लो। अरे रुको दादी, दादी पैसे दो। ये लो मेरे बच्चे पैसे।
मुझे भी पैसे दो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, रात को तेरा बुआ आएगी उन्हीं से ले लेना, आई बड़ी पैसे वाली। रूही उदास होकर वहां से चली जाती है। देखा आपने दादी लड़के और लड़कियों में कितना फर्क करती है। ऐसे वक्त गुजरता है, रात को अब्बू दरवाजे से दाखिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, आ गए मेरे बेटे। बुआ आप आ गई, लाओ आपका टिफिन। अब मेरे लिए कुछ नहीं लाई? नहीं बेटा, भूल गया, कल ला दूंगा। हरदम खाना खाना लगा रहती हो, बस खाना खाना, मेरे लिए कुछ नहीं लाई? मेरे बेटे को देखो जरा, वो कैसा होते जा रहा है। अजी सुनते हो? जी सुना रहे हैं। सुबह बाजी आए तो मैंने आयजा के साथ सोने की खबर सुनी, तो कह रहे थे कि हमें आयजा को कुछ बनाना चाहिए। हाँ वो ठीक कह रहे हैं, हमें आयजा को कुछ ना कुछ जरूर बनाना चाहिए, मगर एक बार आयजा से तो पूछ लो। आयजा बेटा, हम चाहते हैं कि तुम कुछ बनाओ, तुम क्या बनना चाहती हो? अब मेरी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा कल एडमिशन करवा दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा भी कल एडमिशन करवा दूंगा। बेटियां हो तो तुम जैसी, एक दिन वाली और एक दुनिया वाली। दोहरा और आयदा खुशी खुशी कमरे से चले जाते हैं। ऐसे वक्त गुजरता है और आयदा का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। आयदा की कुछ सहेलियां बातचीत करते हुए। अलीशा आपका ड्रेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन कलर थोड़ा खराब है, दूसरे कलर का ड्रेस लेती। ओ हेलो, तुम मुझे मत सिखाओ। वो आयजा को तो देखो, रोज रोज एक ही कलर का ड्रेस पहनती, उससे क्यों नहीं पूछती? चलो पूछते। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमसे एक बात पूछो आयजा। हाँ पूछो। तुम इतने हिजाब में आती हो, तुम्हें इसमें घुटन नहीं होती? इसमें कैसे घुटन है, हमारा इस्लाम में हिजाब पहनना फर्ज है, ये तो तुम्हें भी पहनना चाहिए। हमें तो ऐसा ही रहना पसंद है, हमें तो इसमें बहुत तकलीफ होती है, और तुम्हें ऐसा रहना पसंद है तो तुम रहो। ऐसा मत कहो, इस हिजाब में हमारी सेफ्टी होती है। सेफ्टी? कैसी सेफ्टी आयजा? मैं तुम्हें इस मिसाल के साथ समझाती हूँ। ये मोबाइल है और इसे कवर लगा हुआ है, अगर हम इसे कवर में रखेंगे तो इसमें की सारी चीजें सेफ रहेगी और ये इसे कुछ नुकसान नहीं होगा। और अगर हम इसका कवर हटा दे तो जाहिर है गिर सकता है, टूट सकता है और इसे नुकसान हो सकता है। इसकी मिसाल बिल्कुल हमारे इस हिजाब की तरह है। अगर हम हिजाब में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर हम बेपर्दा रहेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, दुनिया की सारी बुरी नज़र हम पे लग सकती है। हाँ हाँ आयजा, तुम ठीक कहती हो, आज से हम भी पूरे हिजाब की कोशिश दादी। ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएं?
जहाँ जाना है जाओ, बस मैंने कह दिया सो कह दिया, मतलब निकल जाओ। अम्मी और आयशा घर से चले जाते हैं। कुछ साल बाद चाची की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अरे बहू थोड़ा पानी लाना। जमाने भर में घर की शान बेटी से महकता है जिनका जहान बेटी से।